तो इस वीडियो में हम G71 साइकिल के बारे में बात करेंगे कि G71 साइकिल का यूज़ करके मुझे एक बोर जनरेट करना है, एक आईडी टर्निंग करना है, तो वो मैं किस तरह से कर पाऊँगा। तो G71 रफिंग साइकिल के सारे जो पैरामीटर्स है उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल अवेलेबल है, हमारा 80mm का डायमीटर का बोर अवेलेबल है, ऑलरेडी कंपोनेंट में पाइप मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमें एक स्टेप आईडी क्रिएट करना है 90mm का, और सपोज़ वो 20mm की डेप्थ में रिक्वायर्ड है। सो हमें आईडी टर्निंग के लिए प्रोग्रामिंग करना है, G71 साइकिल का यूज़ करना है, तो वो हम किस तरह से कर पाएंगे। नाउ सबसे पहले तो हमने इसके आगे वाले वीडियो में ओडी टर्निंग के लिए बात की थी G71 साइकिल का यूज़ करके, तो यहाँ पर हम आईडी टर्निंग में जो पूरा हेडर है वो हमने लिख लिया है। नाउ अब G71 साइकिल के ऊपर जो भी हम एक्स के कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करेंगे देंगे, तो वो एक्चुअल में इसका स्ट्रोक डिफाइन करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया G0X80.0, सो कंट्रोलर G71 के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसे अपना वो समझ जाएगा कि इतना स्टॉक, इतना मटेरियल अभी कंपोनेंट में, रॉ मटेरियल में अवेलेबल है। सो वो 80 से कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर जो भी हम डिफाइन करें वो हमें सोच समझ के करना है। अगर आईडी होगा सो जो यहाँ पर एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, कंटूर जो हम डिफाइन करेंगे वो नीचे होगा, उससे नीचे होगा। जैसे कि 90mm का डायमीटर क्रिएट करना है, सो वो 90mm से जो ऊपर का जो कोऑर्डिनेट रहेगा जहाँ पर हम G71 के ऊपर अप्लाई करेंगे, टूल का जो पार्किंग पॉइंट हम जिसे कह सकते हैं, सो वो 90 से कम होगा। वरना मशीन क्या समझ जाएगा, अगर हम 100 दे देंगे तो वो ओडी टर्निंग है, वो ऐसा समझ जाएगा। सो ओडी टर्निंग एंड आईडी टर्निंग वो कंट्रोलर को कैसे पता चलता है, तो वो उसे यहाँ से पता चलता है। जो भी हमने 71 साइकिल के ऊपर एक्स के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए हैं वो उससे समझ जाएगा कि कंटूर के मुकाबले अगर वो एक्स का कोऑर्डिनेट कम होगा तो वो आईडी टर्निंग है, अगर वो ज़्यादा है तो वो ओडी टर्निंग है। वो अपने आप ही समझ जाएगा और रिट्रैक्शन अपने आप वो कर लेगा। राइट नाउ उसके रिगार्डिंग हम सिमुलेशन भी इस वीडियो में देखेंगे, ये टूलपाथ कैसे एक्चुअल में वर्क करेगा। सो सबसे पहले हमने X80.0Z2.0 दे दिया। सो अभी ये हमारा स्टॉक बन गया कि 80mm का डायमीटर रॉ मटेरियल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो वहाँ से उसे डेप्थ ऑफ कट लगाने शुरू करने हैं मशीन को। फिर G71 साइकिल हमने अप्लाई की। G71 साइकिल के बाद जो ये U1.0 लिखा है वो है डेप्थ ऑफ कट। सो कितनी अमाउंट की डेप्थ ऑफ कट हमें मशीन को देनी है। सो ये 1.0 ये रेडियली है, सो डायमेट्रिकली वो 2mm हो जाएगी। सो जो डेप्थ ऑफ कट है वो यहाँ पर 2mm होगी डायमेट्रिकली, बट पर साइड अगर देखा जाए तो वो 1mm ही है। एंड जो R0.5 है वो रिट्रैक्शन अमाउंट है, एक बार कट लगेगी फिर जो रिट्रैक्शन करेगा वो 0.5 करेगा। ये भी सिंगल वैल्यू है, अगर डायमीटर में देखा जाए तो वो डबल हो जाएगी। अगर 80 पे उसने कट लगाई है तो रिट्रैक्शन कितना होगा, 78 होगा। और Z में हो जाएगा, अगर 20mm तक वो जाएगा टूल हमारा, तो Z में हो जाएगा -19.5। तो कुछ इस तरह से रिट्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर अप्लाई होती है। नाउ सेकेंड लाइन हो जाएगी G71। उसके बाद P एंड Q वो लेबल कॉल के लिए हमें यूज़ करना है इन दोनों अल्फ़ाबेट को। सो हमने यहाँ पर उसे कहा कि N100 से N200 तक जो भी पूरा कंटूर बना है उसे हमें मशीनिंग करना है। राइट नाउ यहाँ पर है U-0.2, हमें ध्यान रखना है जब भी हम जब आईडी टर्निंग कर रहे होते हैं तब हमें जो ये U-0.2 ये हो जाएगा एक्स में फिनिशिंग अलाउंस। सो हमें यहाँ पर माइनस स्पेसिफाई करना है, वरना अगर हम प्लस करेंगे तो जो बोर है वो प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर गलती से मैंने 0.2 प्लस में लिख दिया, तो ये जो डायमीटर 90 का है वो 90.2 बन जाएगा। ये हमें याद रखना है। सो जब भी आईडी या फिर बोर टर्निंग कर रहे हैं तब फिनिशिंग अलाउंस है उसे माइनस में डिफाइन करना है। U-0.2 यानी एक्स में फिनिशिंग अलाउंस, और ये डायमेट्रिकली वैल्यू है, डायमेट्रिकली वैल्यू है। सो जो अगर यहाँ पर कंटूर हमने एक्स 90.0 बनाया तो जो लास्ट कट लगेगा वो
89.8 पर लगेगा। और यहाँ पर हमने W 0.05 लिखा है, सो W यानी फेस में यानी Z में फिनिशिंग अलाउंस 50 माइक्रोन का हमें रखना है। सो ये W से डिफाइन होगा, Z में कितना फिनिशिंग अलाउंस रखना है वो। और ये है फीड रेट हमारी 0.3। नाउ ये हमारा कंटूर है। सो कंटूर कैसे स्टार्ट करना है कि जो हमारा एक्सट्रीम जो डायमीटर है वो डिफाइन करना है, जैसे कि x 90 का करना है। फिर कितनी mm की डेप्थ में ये डायमीटर जनरेट करना है, तो वो 20 mm की डेप्थ में। सो N100 में हमने 90 mm दे दिया। और फिर लेबल जो दूसरा है N200 उसमें -20 mm दे दिया। सो ये 80 से कट लगता लगता ये 90 mm का बोर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और वो कैसे होगा ये हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि सिमुलेशन हम सिंगल ब्लॉक में देखते हैं। सबसे पहले टूल पार्किंग पॉइंट, यहाँ पर जो G0X80.0 एंड Z2.0 हमने डिफाइन किया, तो टूल वहाँ पर आके रुक जाएगा, राइट। फिर अब क्या है, जब जो भी हमने ये रीड करेगा, ये जो 8 नंबर वाली लाइन है वो उसे रीड करेगा, उसके बाद अभी 9 नंबर वाली लाइन है उसे रीड करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सो जो भी फिनिशिंग अलाउंस हमने दिया है वो उतना अमाउंट वो अभी शिफ्ट हो जाएगा। भले ही हमने 80.0 Z2.0 पर कॉल कराया, लेकिन जब भी ये लाइन रीड करेगा जो वो अभी कर रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट कर लेगा। सो 80 में से 0.2 जाएगा तो वो 79.8 पर आ जाएगा, और Z में वो 2.0 पर रुका हुआ था, सो Z में वो 2.05 पर आ जाएगा, राइट। नाउ N100 करके वो स्टार्ट करेगा, अभी डेप्थ ऑफ कट लेगा। अब फर्स्ट जो डेप्थ ऑफ कट है हमने यहाँ पर U 1.0 डिफाइन किया है, सो डायमेट्रिकली वो X का कोऑर्डिनेट डबल हो जाएगा। सो फर्स्ट कट लेगा वो कुछ 81.8 पर आ जाएगा, क्योंकि 79.8 प्लस 2 यानी 81.8, और उसने डेप्थ ली है -19.95, क्योंकि यहाँ पर 50 माइक्रोन का फिनिशिंग अलाउंस फेस में यानी जेड में दिया गया। नाउ अब वो रिट्रैक करेगा, उसने एक पाथ तो जनरेट कर दिया है। नाउ वो रिट्रैक करेगा, रिट्रैक्शन अमाउंट हमने 0.1 लिखी है, 0.1। सो एक्स में वो डबल हो जाएगा और जेड में वो सिर्फ 0.1 रहेगी। सो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 81.6 एंड जेड में हो जाएगा 19.85, राइट। और वो Z 2.05 पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कट लेगा तो 83.8, क्योंकि जो उसके पहले वाली कट थी वो 81.8 पे थी, सो 2 mm। फिर वो 19.95 जाएगा, इसने रिट्रैक्शन किया, फिर आगे बढ़ता जाएगा कुछ इस तरह से, और वो 89.8 पे उसने लास्ट कट लगाया Z -19.95 तक। फिर वो रिट्रैक्ट करेगा 89.6 एंड यहाँ पर हमें खास एक चीज़ याद रखनी है, जब भी वो अपना लास्ट कट लगाएगा वो अब रिट्रैक्ट नहीं करेगा, वो पूरा फेस को क्लीन करते हुए नीचे आएगा, फिर वो रिट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जहाँ पर यहाँ पर जो ये डेप्थ ऑफ कट की वजह से जो स्टेप ओवर आएगा वो उसे क्लीन करता हुआ जाएगा। सो क्या होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 79.8, सो वो वहाँ तक ये 85.6, 87.6, 89.8 पर उसने कट लगाया, फिर वो 79.8 तक वो पूरा फेस को क्लीन करते हुए आएगा एंड वो फिर रिट्रैक्ट करेगा, और फिर आगे जो हमने होम पोजीशन का कमांड दिया होगा वो उस तरह से आगे मूवमेंट करेगा। सो ये आईडी टर्निंग के लिए G71 साइकिल का एक सिंपल सा प्रोग्राम है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज़।